तो यार आज हो चुकी है 31st में, यानी कि इस मंथ का लास्ट डे आज हो चुका है। तो अब से मैं क्या है आपको जो है हर डेली शेड्यूल बताया करूँगा पोकेमोन का, मतलब पोकेमोन का ही नहीं, मैं आपको मार्वल HQ का और यहाँ पे हंगामा का फुल शेड्यूल बताया करूँगा। अगर आपको किसी और भी चैनल का शेड्यूल जानना है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको उस भी चैनल का डेली जो है शेड्यूल बता दिया करूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हंगामा के शेड्यूल की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हंगामा का शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा, रात के 12:19 में हमको देखने को मिलेगा, मतलब दिन के ही हो गया ना एक तरह से, मतलब कल का दिन अगर ऐसे गिने तो। तो सबसे पहले हमको 12:19 से देखने को मिलेगा सीज़न 7 का एपिसोड नंबर 37, जो कि हमको एपिसोड नंबर 50 तक दिखाया जाएगा। और बात करें इसके बाद तो हमको 3 एपिसोड जो है सीज़न 1 के दिखाए जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिनचैन के जो है एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे, और शिनचैन के हमको 3 एपिसोड टोटल दिखाए जाएंगे। फिर 9:30 हमको हगीमारू दिखाया जाएगा, और फिर 10:00 हमको वापस कितरिक्सु दिखाया जाएगा, और फिर इसी के बाद हमको शिनचैन का 1 एपिसोड और दिखाया जाएगा। उसके बाद 11:30 हमको हगीमारू दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद हमको 12:00 सेल्फी विद बजरंगी के 4-5 एपिसोड हमको जो है दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शिनचैन की, फिर यहाँ पे वापस एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सेल्फी विद बजरंगी के हमको वापस थोड़े बहुत एपिसोड्स दिखाए जाएंगे। यहाँ पे हमको पोकेमोन सीज़न 8 का जो है 3:30 एक एपिसोड दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद वापस शिनचैन और फिर वापस कितरिक्सु, और फिर यहाँ पे हमको शिनचैन की 3 एपिसोड दिखाए जाएंगे। फिर 7:00 यहाँ पे जो है हमको रिपीट टेलीकास्ट जो है पोकेमोन का दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है रात तक जो है हमको शिनचैन दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद हमको चाचा भतीजा और इंस्पेक्टर चिंगम के जो है 3-4 एपिसोड दिखा दिए जाएंगे। तो यार ये तो बात हो गई हंगामा के शेड्यूल की, अब बात करते हैं यहाँ पे मार्वल HQ की शेड्यूल की। तो मार्वल HQ का शेड्यूल कुछ ऐसे रहने वाला है। तो रात को हमको जो है एपिसोड 17 से लेकर एपिसोड 23 तक दिखाएंगे। फिर 3:30 यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाएंगे कुछ न्यू एपिसोड, जो कि हमको वापस सीज़न 13 यहाँ पे सीज़न 9 से लेकर एपिसोड 17 तक जो है हमको यहाँ पे एपिसोड दिखाने वाले हैं। फिर सुबह की बात करें तो यहाँ पे सुबह होते हैं हमको बेब्लेड के 3 एपिसोड दिखाने वाले हैं, जो कि 19 से लेकर 21 तक एपिसोड दिखाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद हमको चाचा चौधरी के कुछ एपिसोड दिखाएंगे, और फिर इसी के बाद चाचा चौधरी खत्म होने के बाद हमको डायरेक्ट हमको दिखा जाएंगे सुपर स्ट्राइकर्स के कुछ एपिसोड। फिर इसके बाद बात करें तो फिर इसके बाद हमको जो है बोला कामपुंग, जो मतलब मैं इसका अगर नाम ऐसे से नहीं ले रहा तो मेरे को बता देना, मगर जो है इसका हमको एपिसोड दिखाया जाएगा। तो ये भी सुपर स्ट्राइकर्स जैसा एक फुटबॉल शो है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो। फिर इसी के बाद हमको पोकेमोन का एक और एपिसोड यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे एक न्यू शो जो कि द डीप है, फिर उसके एपिसोड दिखाया जाएगा जो होगा एपिसोड नंबर 14। फिर इसी के बाद हमको सुपर स्ट्राइकर्स के कुछ एपिसोड्स और देखने को मिलेंगे। और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे ज़्यादा तो नहीं, बोबो का एक एपिसोड दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद हमको 4 एपिसोड जो है बेब्लेड जनरेशन 3 के दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद हमको 5:30 सुपर स्ट्राइकर्स का एपिसोड दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का भी एपिसोड दिखाया जाएगा, और एक न्यू एनिमे के जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि मार्वल फ्यूचर एवेंजर्स का एपिसोड 2 भी हमको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद में जो है हमको ओवरनाइट पोकेमोन का सीज़न 8 देखने को मिलेगा। तो बस यार यहाँ पे जो है दोनों चैनल्स के शेड्यूल ख़त्म होते हैं। तो ये रहेंगे कल के शेड्यूल, अगर कुछ में से मिस हो गया हो तो मेरे को माफ़ कर देना। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।